काम के बारे में हम जानेंगे कि कहां से आए। देख सकते हैं युवाओं का जोश जो है इस प्रोग्राम में। हजारीबाग में अभी गांधी मैदान में हूँ और गांधी मैदान में आप देख सकते हैं अनुप्रिया फाउंडेशन के तरफ से जन्माष्टमी का दही हांडी कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है 1, 2, 3, 4, 5 मटके लगे हुए हैं जिसके अंदर दही है और इसी का कॉम्पिटिशन अभी होने वाला है। हजारीबाग में कई पार्टियाँ, कई टीम जो है ये भाग लेने वाली हैं और जानेंगे आखिर अनुप्रिया जी से जो ये प्रोग्राम करा रही हैं उनसे कितना भीड़ गांधी मैदान में ऐसे ऐसे प्रोग्राम में हो ही जाता है। लेकिन इस प्रोग्राम के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ से आए। देख सकते हैं युवाओं का जोश जो है इस प्रोग्राम में जबरदस्त जोश है और इस प्रोग्राम के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या चल रहा है इस प्रोग्राम में। मैडम, गांधी मैदान में देख रहे हैं दही हांडी का प्रोग्राम चल रहा है, कैसे क्या प्लान है इसके ऊपर, कैसे आपने? सबसे पहली बात आपको मेरा नमस्कार। और यहाँ पे दही हांडी का प्रतियोगिता पहली बार हजारीबाग में इस तरीके से हो रहा है। मैं हजारीबाग में इसलिए ये करना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हजारीबाग को एक नया माहौल मिले और एक नया शहरी माहौल मिले। दूसरा चीज़ कि जो युवा हैं वो बहुत दूसरी तरफ जा रहे हैं, नशा की तरफ जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कुछ कुछ चीज़ें हों और ये हर साल मैं कराऊँगी, ये आखिरी बार आज नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें हों जिससे कि वो डाइवर्ट हो और एक अच्छा एक माहौल बने। और ऐसी सामाजिक कार्यक्रम जैसे कि दही हांडी हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण जैसे एक साथ एक समाज को लेकर के रहते थे, बस उन्हीं के सोच को लेकर के मैं यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे अनुप्रिया फाउंडेशन लिखा हुआ है, ये फाउंडेशन क्या काम करती है, क्या पहले से आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग में आपको अभी एक्टिव देख रहे हैं? जी, पहले से मैं बॉम्बे में धारवी स्लम एरिया में मेरा फाउंडेशन स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे मैं बहुत सारा काम करती थी, लीगल एड और हेल्थ के रिलेटेड मैं बहुत काम करती थी वहाँ पे। फिर रांची के दुर्वा एरिया का स्लम में, क्योंकि दुर्वा में मेरा घर हुआ करता था, तो उसी के बगल में बहुत बड़ा स्लम एरिया है, तो उसको मैं बहुत ज़्यादा मैं देखने लगी। फिर बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे ऑर्फनेज भी मेरे एनजीओ में आने लगे। फिर बहुत सारे गांव भी हैं ऐसे नामको मेरिया के गांव जो कि बहुत गरीब थे, बहुत बीपीएल में आते थे, तो उनके तरफ फिर हमारा जाने लगा। फिर मेरे पिता की इच्छा थी कि मैं हजारीबाग वालों के लिए कुछ करूं, तो मैं यहां पे 5-6 महीने से जब घूम रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर बहुत बदलाव की ज़रूरत है। और एक मैं नया सोच के साथ मैं हजारीबाग में बहुत सारी बदलावों का हो सकता है आगे बढ़कर के कारण बनूं। और आपकी बहन है बड़का गांव में एमएलए हैं अम्बा प्रसाद जी, तो क्या आपका भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है कि सेवा ही करना है इस तरह से? अभी तो मेरा मकसद आज से नहीं, 7 साल से सेवा का है, बाकी आगे का मुझे अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी पॉलिटिक्स में सब जोड़ते हैं। मैं चाहूँ नहीं चाहूँ मेरे पिता भी मुझे कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर देते हैं और वो चाहते हैं कि मैं लोगों का सेवा करूं, तो मुझे आगे का अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं अपने सच्चे मन से, मेरे मन में कोई छलकपट नहीं है, मुझे कोई चीज़ का कोई ग्रीड नहीं है, मैं बस सच्चे मन से जो भी कर रही हूँ अपना मन से सच्चे मन से। देख रहे थे हम लोग बात करते हैं अनुप्रिया जी से जो विधायक बड़का गांव की है अम्बा प्रसाद, उनकी अपनी बहन है, हो सकता है पॉलिटिक्स में छात्र है, कैसा है प्रोग्राम यार? मजा आ रहा है, जब पूरा एकदम अच्छा लग रहा है। हम लोग अनुप्रिया से मिलने आए हैं, तो देख रहे हैं इतना अच्छा लग रहा है हम लोग को, बहुत मजा आ रहा है। आंटी प्रतियोगिता में हम लोग पूरा मजा करने और काफी भीड़ है, पूरे का पूरा गांधी मैदान आप देख सकते हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष है, कंपटीशन के लिए सभी रेडी है। और ये कार्यक्रम जो है अनुप्रिया फाउंडेशन के द्वारा करा जा रहा है और यहीं से जो है कुछ ही देर के पहले
ये हांडी ऊपर जो लटका हुआ है इनको खोलने हैं, कार्यक्रम होगा और हजारीबाग में एक माहौल बन गया है जन्माष्टमी के अवसर पे दही हांडी प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में कौन जीतता है ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि इस तरह का प्रतियोगिता हजारीबाग में छोटे छोटे स्तर में तो होते रहे हैं, लेकिन ऐसा गांधी मैदान में पहली बार हुआ है जहाँ पे कई लोग जो है अलग अलग दूर दूर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दही हांडी जो है वो फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कौन सा टीम है आपका? राधे। राधे कहाँ का? ओरिया। पहले पहले भाग लिया कभी? हाँ, हम लोग फैट किए, हर बार फैट किए, आज बार फैट किए, हर बार, और आज भी फैट करके जाएंगे। 15,000 सब लेके जाएंगे, यहाँ आए हैं तो बस जीत के ही जाएंगे, 100% में। क्या क्या करना पड़ता है? क्या बस एक पे चढ़ के एक पे मटका फोड़ना है, जो पहले फोड़ देगा वो विजेता होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की है? हाँ, बुरा है। ओरिया में हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें जीत के भी आया है। कोई इंजोर्ड उंजोर्ड नहीं हुआ? सब ठीक है। बॉडी जिम उम जाते हैं आप लोग? इतना लोग हम लोग वेट ट्रेंडेड आदमी लोग हैं। आपका कंपटीशन में कौन है? हम लोग सभी है। नहीं, दूसरा टीम कौन है कंपटीशन में? कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। क्या क्या नाम है? आशीष तिवारी। गोविंद यादव। रोहित यादव। चरका यादव। दिवाकर यादव। कैलाश यादव। निक्की हिंदू। देख सकते हैं यहाँ पे प्रतिभागी जो है वो तैयार हैं, बस कुछ ही देर में जो है ये दही हांडी का जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगा। अब देखना ये है कि विनर कौन होता है। मेरे साथ दूसरा टीम भी यहाँ पे है जो लोग भाग लिया है। कौन टीम से आप लिए? शिव शक्ति ग्रुप मटवारी। हाइट बहुत कम है, उन लोगों का हाइट बहुत ज्यादा है। उन लोग बोल रहा है कि हम लोग फर्स्ट आएंगे। हम लोग फर्स्ट आएंगे। खेलेंगे, अगर हम लोग खेलेंगे तो लिख के देते हैं फर्स्ट आएंगे। हम लोग फर्स्ट करेंगे, लिख देते हैं। दोनों टीम में जो है एकदम टकराव का मुकाबला। कहां से आए? यही कि कौन टीम जीतता है। देख सकते हैं युवाओं का जोश जो है प्रोग्राम में। कहां से आए? कहाँ से आए? कहाँ से आए? जानेंगे कि कहाँ जानेंगे कि कहाँ जानेंगे कि कहाँ काम के बारे में हम जानेंगे कि कहाँ जानेंगे कि कहाँ जानेंगे कि कहाँ